नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में। जी भाई, अगर आप सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा के बारे में पता होना चाहिए कि सऊदी अरबिया किस पर्पज़ से जा रहे हैं, तो आपको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए। कई बार लोगों में कन्फ्यूज हो जाता है कि भैया मैं इस काम से जा रहा हूँ तो मुझे वीज़ा कौन सा लेना चाहिए। फिर आप लोग किसी नॉर्मल लोगों से पूछ लेते हैं, वो आपको सही गाइड नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम ऐसे 10 वीज़ा के बारे में बात करेंगे, अगर आप कौन से पर्पज़ से जा रहे हैं तो कौन सा वीज़ा आपको लेना ज़रूरी है, कितना समय लगता है, कितने इनके चार्जेज लगते हैं, डिटेल्स इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज आपको नई अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सऊदी अरबिया से रिलेटेड अगर फर्स्ट में अगर बात करें, शुरुआत में जिसमें लगभग 80% लोग जाते हैं वो है वर्क परमिट वीज़ा। जी हाँ, अब वर्क परमिट वीज़ा आपको सबको बता भैया, कंपनी में अगर आप कंपनी में ओपन में कहीं पर भी काम के पर्पज़ से जाते हैं तो आपको विजिट वीज़ा में आप नहीं जा सकते। सऊदी अरबिया में ये नियम नहीं है, जैसे दुबई में लोग जाते हैं वैसे सऊदी अरबिया में नहीं जा सकते। तो इसके लिए आपको वर्क परमिट वीज़ा लेना होता है। उसमें आप चाहे एजेंट से ले सकते हैं, कोई मैन पावर ऑफिस से ले सकते हैं, या फिर आप इंटरव्यू दे के जाते हैं, या फिर कोई स्पॉन्सर वहाँ से कर देता है। बहुत सारे लोगों को सऊदी से डायरेक्ट वीज़ा आ जाता है, उस वीज़ा को स्टंप करके मेडिकल करवा के आप एक नंबर में पूरा अग्रीमेंट वगैरह करके आपको जाना होता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जितने समय के लिए आप जाना चाहते हैं। तो वर्क परमिट वीज़ा सबसे ज़्यादा सऊदी अरबिया का चलता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं बिजनेस वीज़ा। अब बिजनेस वीज़ा एक तरीके से नॉर्मल आदमियों के तो ये काम का नहीं होता है, लेकिन ये लोग वो लोग ये वीज़ा लेते हैं जो अपने बिजनेस से रिलेटेड सऊदी अरबिया जाते हैं। चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, या फिर वहाँ पर कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं, या फिर किसी भी पर्पज़ से आपको वहाँ पर इन्वाइट किया जाता है बिजनेस के पर्पज़ से जा रहे हैं, या आप सोचते हैं इन्वेस्टमेंट करना है हमें सऊदी में तो उस पर्पज़ से जा रहे हैं, तो वो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको ये अलग से वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। 3 नंबर पर बात करें तो साथियों बिजनेस वर्क वीज़ा। अब बिजनेस वर्क वीज़ा क्या होता है, बिजनेस वीज़ा और बिजनेस वर्क वीज़ा में कितना डिफरेंस होता है? जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंस होता है। बिजनेस वर्क वीज़ा का मतलब होता है आप में कुछ अलग क्वालिटी है, आपकी कुछ अलग मतलब आपको कुछ अलग हुनर ऐसा है कि कुछ समय के लिए, आपने देखा होगा ना यार, आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई फैन खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, तो आप इलेक्ट्रिशियन के लिए बुलाते हैं, आधे घंटे के लिए आता है, ठीक करके चला जाता है। तो सेम यही वीज़ा है, ये बिजनेस वर्क वीज़ा होता है जो लगभग 2 महीने के लिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्क के लिए आपको बुलाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आप उस वीज़ा में होते हैं और आपको ये आयात कुछ समय के लिए कंपनियों को ये वीज़ा मिलता है, जिससे आपको वीज़ा भेज दिया, 2 महीने आपको कंपनी ने रखा, आपका काम पूरा हो गया तो आप वापस इंडिया आ गए, इसको बोलते हैं बिजनेस वर्क वीजा। जी हाँ। 4 नंबर पे अगर बात करें तो टूरिस्ट वीजा। अब टूरिस्ट वीजा क्या होता है, आप सबको पता ही है भैया, आप सऊदी अरबिया घूमने जाना चाह रहे हैं तो आप एक बार वीजा लेंगे, महीने का, अलग अलग कैटेगरी के वीजा होते हैं, वो वीजा लेंगे, चाहे आप एजेंट से ले सकते हैं, चाहे आप कोई टूरिस्ट एजेंसी होती है वहां से वीजा ले सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीजा लिया, 10-15 महीने, 2 महीने आपने वहां सऊदी में घूमे, वापस इंडिया आ गए, छुट्टी मना के बात खत्म, ये होता है टूरिस्ट वीजा। 5 नंबर पर अगर बात करें तो फैमिली वीजा। जी हाँ, फैमिली वीजा क्या होता है, आप बहुत सारे लोग सऊदी अरबिया में जो अच्छे खासे पैकेज पे वहां पे काम करते हैं तो वो लोग अपने उनके वेतन के आधार पे वीज़ा मिल जाता है। जैसे उनका वेतन 10,000 रियाल है, 15,000-20,000 रियाल है, तो उस हिसाब से उनको वीज़ा, वो अपने परिवार को स्पॉन्सर करते हैं कि भैया अपने बच्चों को, बीबी को वहाँ पे बुला लिया, वो वहाँ रह सकते हैं, काम नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उसको बोलते हैं फैमिली वीज़ा, वो वहाँ रह सकते हैं, मैं काम कर रहा हूँ, मेरी 15-20,000 रियाल तनख्वाह है, तो मैं मेरे बच्चों को, फैमिली को वहाँ बुलाऊंगा, वो वहाँ रहेंगे, स्पॉन्सर मैं करूँगा उनको, और वो वहाँ पे रह सकते हैं जैसे इंडिया में रहें, लेकिन काम नहीं कर सकते। 7 नंबर वीज़ा की बात करें तो स्टूडेंट वीज़ा। जी हाँ भाई, स्टूडेंट वीज़ा किसको मिलता है, सीधा सीधा फंडा भैया, जो बच्चे स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई के लिए सऊदी अरबिया में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, या वहाँ पर एजुकेशन आप वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो वीज़ा मिल जाता है, आराम से वो वीज़ा ले सकते हैं। 8 नंबर पर बात करें तो ट्रांजिट वीज़ा। अब ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है भैया, न्यूजीलैंड के नाम से, बहुत सारे देशों के नाम से ट्रांजिट वीजा के नाम से लोगों को लूटा जाता है। यह ट्रांजिट वीजा, मान लीजिए आप जा रहे हैं यूरोप कंट्री में जा रहे हैं, और आपको मान लो इंग्लैंड यूके जाना है, तो आप ये सोचते हैं यार सऊदी अरबिया में मेरा कोई जानकार है और उसके थ्रू मैं उससे मिलके और फिर यूके निकल जाऊं, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट वीजा, जो सऊदी अरब से होते हुए थोड़े समय के लिए वो स्टॉप होते हैं, या तो एयरपोर्ट पे, या फिर एयरपोर्ट के बाहर निकलने का भी ऑप्शन होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग रूल होते हैं, तो वो इस तरीके से शॉर्ट समय के लिए वो वीज़ा होता है, वो वीज़ा आप ले सकते हैं। 9 नंबर वीज़ा की बात करें तो हज वीज़ा। जी हाँ भाई, हज वीज़ा आप सबको पता होगा भाई, ये वीज़ा किन लोगों को जारी किया जाता है, जो मक्का में हज है, जो तीर्थ यात्रा करेंगे उन लोगों को ये वीज़ा मिलेगा, मक्का के लिए जो हज के लिए जाते हैं उनको हज वीज़ा बोला जाता है। एक होता है उमरा वीज़ा। अब उमरा वीज़ा किन लोगों को जारी किएंगे, जो मक्का में उमरा तीर्थ यात्रा करते हैं। जी हाँ, सीधा सीधा फंडा है भैया, जो मक्का में उमरा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, उनके लिए उमरा वीज़ा बोला जाता है। हज वीज़ा और उमरा वीज़ा में अलग अलग है, ध्यान रखने की बात है। अब ये एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखने की बातें हैं कि वीज़ा जो प्राप्त करने का, वीज़ा का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग देशों पर अलग अलग
कंडीशन पे डिपेंड करता है, बहुत सारे नियम रेगुलेशन इसमें सब वीज़ा के अलग अलग हैं। तो आप कौन से वीज़ा में लेना ले लेके जाना चाहते हैं, जब आप एजेंसी से अप्लाई करेंगे तो उनसे पूरी डिटेल आप ले सकते हैं, वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। अगर खर्चे की बात करें तो 200 रियाल से लेके 400 रियाल के बीच में ये सब वीज़ा लगभग में आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा खर्चा इनका नहीं लगता है। टाइम की बात करें तो 3, 4, 5, 7 दिन के अंदर ये वीज़ा आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड फोटो होनी चाहिए, और वर्क परमिट का अलग रूल है, विजिट वीज़ा नॉर्मल वगैरह मिल जाता है, तो इतना कोई गल्फ देशों का सिस्टम नहीं है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।